प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पालीरा विजय वल्लभ सूरीश्वर महाराज री प्रतिमा रो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए कर अनावरण कयो। आत्मनिर्भर भारत री पीठिका तैयार करवा मां संतार आचार्य रो बड़ो योगदान। आज है राष्ट्रीय प्रेस दिवस। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर दी नी बधाई। बदलिया मौसम रे पाछे प्रदेश में कई ठोरा माते भी बिरकार पड़िया ओला, फसलां खातर वेली लाभदायक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दीपावली माते आतिशबाजी नहीं करवा माते प्रदेशवासियों जतायो आभार, कहो कोरोना रे खिलाफ जंग में आम जनरी आ जिम्मेदार पहल। और देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होबा वाला री दर भी 93.09%। प्रदेश में कोरोना रा 205,072 मरीज भी ठीक। जयपुर समेत प्रदेश भर में आया 2,184 नवा केस। नमस्कार, सिंजा 4:30 बजे राजस्थानी खबर में आपरो घणो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पाली में विजय वल्लभ सूरीश्वर महाराज की प्रतिमा रो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए अनावरण कर्या। मणा कयो के जैन आचार्य वल्लभ जी महाराज रा शांति अहिंसा और बंधुत्व रो संदेश विश्व ने सदैव प्रेरणा देतो रहेलो। मणा कयो के आत्मनिर्भर भारत री पीठिका तैयार करवा में संता और आचार्य रो घणो योगदान है। इन प्रतिमा ने शांति की प्रतिमा रो नाम दियो गयो है। सूरीश्वर महाराज री प्रेरणा सु कई राज्य में कॉलेज स्कूल और अध्ययन रा केंद्र समेत 50 शिक्षण संस्थान संचालित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती समारोह के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया। 1870 से 1954 के बीच श्री विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज ने एक जैन संत के रूप में सादगीपूर्ण जीवन जीते हुए निस्वार्थ और समर्पण भाव से भगवान महावीर के संदेश को फैलाने का कार्य किया। उन्होंने जनता के कल्याण, शिक्षा के प्रसार, सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन के लिए भी अथक परिश्रम किया। उनकी प्रेरणा से कई राज्यों में कॉलेजेस, स्कूल्स और अध्ययन केंद्र सहित 50 से अधिक शिक्षण संस्थान संचालित हैं। उनके सम्मान में अनावरण की जाने वाली प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ पीस का नाम दिया गया है। 151 इंच ऊंची यह प्रतिमा अष्टधातु यानी 8 धातुओं से बनाई गई है, जिसमें तांबा प्रमुख घटक है और इसे राजस्थान के पाली में विजय वल्लभ साधना केंद्र जैतपुरा में स्थापित किया जा रहा है। भारत ने हमेशा पूरे विश्व को, मानवता को शांति, अहिंसा और बंधुत्व का मार्ग दिखाया है। ये वो संदेश है जिनकी प्रेरणा विश्व को भारत से मिलती है। इसी मार्गदर्शन के लिए दुनिया आज एक बार फिर भारत की ओर देख रही है। मुझे विश्वास है कि स्टैच्यू ऑफ पीस विश्व में शांति, अहिंसा और सेवा का एक प्रेरणा स्रोत बनेगी। गुजरात की धरती ने हमें दो वल्लभ दिए। राजनीतिक क्षेत्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल और आध्यात्मिक क्षेत्र में जैनाचार्य विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज। वैसे मैं दोनों ही महापुरुषों में एक समानता और देखता हूं। दोनों ने ही भारत की एकता और भाईचारे के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। मैं आचार्यों से, संतों से, भगवंतों से, ऋषियों से, कथाकारों से एक आग्रह करना चाहता हूं। जिस प्रकार से आजादी के आंदोलन की पीठिका भक्ति आंदोलन से शुरू हुई, भक्ति आंदोलन ने ताकत दी, वैसे ही आत्मनिर्भर भारत की पीठिका तैयार करने का काम भी हमारे संतों, महंतों, आचार्यों का है। आप जहां भी जाएं,
जहां भी बोले, अपने शिष्य हो या संतजन हो, आपके मुंह से लगातार ये संदेश देश के हर व्यक्ति तक पहुंचते रहना चाहिए। और वो संदेश है वोकल फॉर लोकल। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। इन मौके उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू सगला मीडिया कर्मियों ने बधाई दीनी। आपरा बधाई संदेश में वणा कहो कि आप देश में लोकतांत्रिक विमर्श ने दिशा देवो हो, नागरिका ने सूचित कर वणा ने सक्षम बनाओ हो। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर आपरा बधाई संदेश में कहो कि फ्री प्रेस माका लोकतंत्र की खास बात है और आधारशिला है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रेस की स्वतंत्रता और जिम्मेदारी का माको ध्यान आकर्षित करे है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर ट्वीट कर शुभकामनाएं दी थी। उपराष्ट्रपति ने अपने ट्वीट में कहा, राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर सभी मीडिया कर्मियों को बधाई। आप देश में लोकतांत्रिक विमर्श को दिशा देते हो, नागरिकों को सूचित करके उन्हें सक्षम बनाते हो। इस महामारी के दौरान लोगों में जागरूकता लाने में मीडिया की भूमिका प्रशंसनीय रही है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर पत्रकारों को ट्वीट कर शुभकामनाएं दी। ट्वीट में सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा, फ्री प्रेस हमारे लोकतंत्र की विशेषता और आधारशिला है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रेस की स्वतंत्रता एवं जिम्मेदारियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। आज सबसे बड़ा संकट है फेक न्यूज। पत्रकारों को इसके लिए काम करना चाहिए। सभी पत्रकारों को शुभकामनाएं। अभी फिलहाल देश में प्रेस की आजादी का फिर से चर्चा हो रही है। मैंने पहले ही दिन ट्वीट किया कि जिस तरह से प्रेस के आजादी पर हमले हो रहे हैं वो अच्छा नहीं है। ये टीआरपी का क्या मामला है? इश्तेहार देने वाले इश्तेहार देंगे, उनको एक गाइड चाहिए कि कहाँ इश्तेहार देने से ज्यादा फायदा होगा, किस समय देना चाहिए, कौन से कार्यक्रम में देना चाहिए, किस चैनल को देना चाहिए। ये एडवर्टाइजर का दृष्टि है और ब्रॉडकास्टर्स है जिनके यहाँ उनको इश्तेहार देना है। तो ये दोनों ने आकर एक टीआरपी की सिस्टम बनाई, बार स्थापन किया। हमने जानबूझकर सरकार ने इसमें कभी हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि भाई इश्तेहार देने वाला और इश्तेहार लेने वाला, ब्रॉडकास्ट करने वाला, इन दोनों के अगर एक राय है तो हम काय के लिए बीच में आएंगे। लेकिन अब बारी आई कि हमें दखल देनी पड़ रही है। हमने एक कमेटी नियुक्त की है। मेरा तो मानना है कि टीआरपी के आज 50,000 मीटर थे, पहले तो टैम के जमाने में 5,000 मीटर होते थे, इसलिए मैनिपुलेशन होगा। अगर 1 करोड़ लोगों का पसंद देखने की सिस्टम टीआरपी में आती है तो फिर क्या मैनिपुलेशन होगा? तो मैनिपुलेशन की संभावना कैसे खत्म की जा सकती है, इसके लिए हमने कमिटी नियुक्त की है और बहुत देरी नहीं लगाएगी, जल्दी रिपोर्ट आएगी। क्या पॉसिबल है? प्रेस री आजादी री रक्षा खातर प्रेस परिषद रो गठन 4 जुलाई 1966 ने करो गयो, पण प्रेस परिषद 16 नवंबर 1966 ने काम करबो शुरू करो। इन वजह सू हर वर्ष 16 नवंबर ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनायो जावे है। इन दिवस रे मौके वरिष्ठ पत्रकार अपनी शुभकामनावां दीनी। हमारे प्रजातंत्र के लिए पत्रकार की सुरक्षा की गारंटी भी होनी चाहिए, जिसमें कि उसके जीवन यापन के जरिए जो है वो सुरक्षित रहें। ये नहीं कि मालिकों की दया पर वो काम करे और मालिकों की दया पर वो निकाल दिया जाए, नाराजगी पे निकाल दिया जाए, ये नहीं होना चाहिए। और ये तभी हो सकता कि राज्य तटस्थ भाव से श्रमजीवी पत्रकारों की रक्षा के लिए कानून बनाए, आगे आए, जैसे पहले हुआ करता था, जो आज हम वंचित महसूस करते हैं उनसे अपने आप को। एक ऐसा वर्ग है जो बहुत ताकतवर वर्ग है और जिसको अपने आप को स्वतंत्र और स्वायत्त रखना चाहिए और भारत के संविधान की रक्षा के लिए अपने आप को जुड़े रखना चाहिए और उसकी बेहतरी के लिए एकजुट होकर के और शासन से बात करनी चाहिए, समाज से बात करनी चाहिए। ये अगर करेंगे तो हम अपने आप को सार्थक कर पाएंगे और प्रेस की सार्थकता को लोगों को महसूस करवा पाएंगे। हर साल हम नवंबर 16 को नेशनल प्रेस डे इसलिए मनाते हैं, ये कमेमोरेटिव डे भी है, कमेमोरेटिव दिन भी है, क्योंकि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो वॉच डॉग है मीडिया का, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1966 नवंबर 16 को, वो मीडिया का जो है वॉचडॉग का रोल जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया अदा करते हैं और मीडिया वालों को, रीडर्स को, जनरल पब्लिक को, सिटीजन्स को ये रिमेन करने के लिए, ये जो मीडिया, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पूरा प्रेस फ्रीडम है
और मीडिया का भी रोल, मीडिया का भी जिम्मेदारी और मीडिया का जो है हाईएस्ट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने का जिम्मेदारी, ये सब याद दिलाने के लिए ये दिन मनाते हैं। जब हम मीडिया के लोग प्रेस दिवस को मनाते हैं तो हमें बखूबी ये याद भी करते हैं कि हमारी जिम्मेदारियां क्या है, हमारा निर्वाह किन कर्तव्यों का हमें करना है। पारिभाषिक तौर पे तीन चीज़ें हम शामिल करते हैं मीडिया के काम के बतौर, एक समाज को सूचना देना, बाखबर रखना, दो मनोरंजन करना और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम है शिक्षित करना। इन तीनों के बीच में हम एक संतुलन के साथ साथ अपना काम कर रहे हैं। पिछले 70 साल में कुछ लम्हे ऐसे भी आए थे जब मीडिया को इम्तिहान से गुजरना पड़ा था, आपातकाल था, लेकिन मीडिया ने उस समय भी अपने कर्तव्यों का निर्वाह भलीभांति किया था। तो हम पे लाजिम है कि हमारे पुरखों ने, हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने जो लकीर खींची है, जो हमें एक नज़ीर प्रस्तुत की है, जो हमें एक इतिहास दिया है, उस इतिहास की रोशनी में हम अपने कर्तव्यों को याद करते हैं और प्रेस दिवस पर हम ये समाज को बताना चाहते हैं कि हम अभी भी अपने उसी काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। प्रदेश में काल बदलया मौसम रे पाछे कई टोरा माते बिरखा और ओला पड़ा। राज्य रा अगुणा और उत्तरादा हल्का में ज़्यादातर ठोरा माते बिरखा हुई। तेज भाल रे पाछे दूसा और आरे सारे रा खेतरा में चना जशा ओला पड़ा। राजधानी जयपुर में दोपहरा पाछे पहली तेज भाल चाली पाछे ओला पड़ा। जयपुर रे कन्ने मनोहरपुरा रा उदावला गाँव में बिजली भी पड़ी। कृषि री दृष्टि सू आ बिरखा आगामी फसल खातर उपयोगी वहली, साथ ही इन बिरखा सू प्रदूषण रो स्तर भी नीचे आयो है। मौसम महकमा रे मुजब आबाड़ा 24 घंटा माए बीकानेर भरतपुर संभागा माए कोरो छाया रहवा रे, साथ कुछ एक ठोरा माते बिरखा होबारी भी आस है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दीपावली रा मौका माथे आशीषवासी नी करवारा संकल्प री पालना करवा माथे प्रदेशवारा रो आभार जतायो। वणा आपरा संदेश माए कयो के जीवन रक्षा रो फर्ज निभाता तका लोग जिन सूझबूझ रो परिचय दिनो है, कोरोना रे खिलाफ जंग माए एक जिम्मेदार नागरिक रा रूप माए वो वाकई एक सराबाजो कदम है। भाई बहन रा प्रेम रो त्यौहार भाई दूज आज पारंपरिक तरीका सु मनायो जा रियो है। इन दिन महिलावां आपरा भाई री लांबी आयु री कामना करे है। दोसा खेतर माए इन दिन रोज माता री कहानी सुनाई जावे है। इरे पछे महिलावां आपरा भाई रे तिलक लगार वणा ने भोजन करावे है। आज भाई दूज का हम काफ़ी टाइम से इंतज़ार करते हैं, साल भर हमें इसका इंतज़ार रहता है कि हम भैया से मिलेंगे, उसे रक्षा सूत्र बांधेंगे, उसकी लंबी उम्र के लिए कामनाएं करेंगे। आज के दिन हम अपने भाई की तिलक लगाते हैं, उसकी लंबी उम्र के लिए कामना करते हैं, उसे मिठाई खिलाते हैं और उसे रक्षा सूत्र बांधते हैं। आज भाई दूज है, आज बहनें भाई के तिलक लगाती है, मिठाई खिलाती है और खाना खाते हैं। आज मेरे भाई ने मुझे बहुत सुंदर सा टेडी बियर दिया है। भाई दूजे तो उसके लिए पहले हमने पूजा करी है, भाइयों की लंबी उम्र के लिए कामना कर रहे और तिलक विलक लगा के आज के दिन बहन भाई की लंबी आयु के लिए क्या नाम पूजा करती है, कहानी सुनती है और अपने भाइयों के घर जाके तिलक करती है। भाई बहन के घर आते हैं तिलक निकलवाने के लिए। जयपुर रा वैशाली नगर रा अक्षरधाम मंदिर में काल अन्नकूट महोत्सव रो आयोजन करो गयो। इन मौके मंदिर में 56 भोगरी झांकी सजाएगी। मंदिर प्रशासन काने सो इन बार कोविड री नियमावली रे तहत श्रद्धालुओं खातर पुख्ता इंतजाम कराया गया है।
भरतपुर जिला में गोवर्धन रो पर्व हर्षोल्लास रे सागे मनायो गयो। इन मौके घरा घरा में जठे गोवर्धन भगवान री पूजा अर्चना करी गई। बटई मंदिरा में अन्नकूट रो भोग भी लगायो गयो। भरतपुर रा श्री मोहन जी मंदिर में हर बरस री भांत इन बरस भी अन्नकूट महोत्सव रो आयोजन करो गयो। इन मौके भगवान गिरिराज महाराज री 56 भोग री झांकी सजाएगी। जयपुर जिला री चाकसू तहसील रा केशवपुरा गांव में अन्नकूट महोत्सव रे दौरान सामाजिक समरसता री मिसाल देखवा खातर मिली। न केवल केशवपुरा बल्कि आर्य सारे रा दर्जना गांवा रा लोग परंपरागत तरीका सु बैला रे साथे गोवर्धन री पूजा करी। ग्राम विकास समिति रा सदस्य दिनेश शर्मा बतायो के इन खास पूजा में सगड़ी समाजा रा लोग भाग लेवे है। नाथद्वारा में काल रात ख्यातनाम अन्नकूट प्रसादी रो आयोजन करो गयो। वल्लभ संप्रदाय रा प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर में आदिवासी श्रद्धालु इन अन्नकूट प्रसादी ने लूटे है। आ परंपरा वर्षा में एक बार अन्नकूट उत्सव रे दौरान होवे है, जटे खाली भील आदिवासी परिवार रा श्रद्धालु ही भाग लेवे है। इन वर्ष COVID-19 ने देखता तका मंदिर में रात्रि रे टेम आम श्रद्धालुओं रो प्रवेश बंद रियो, फिर भी आदिवासी परिवार आ प्रतिनिधियां काने सु लूट री परंपरा पूरी करेगी। आनंद से उन्होंने भी दर्शन लाभ लिया, माँ प्रसाद लेकर के बाहर निकल रहे हैं। अन्नकूट की लूट होती है, इसमें आदिवासी भाइयों को ही केवल प्रवेश दिया गया और दर्शन केवल आदिवासी भाइयों को ही उपलब्ध कराए गए। सभी प्रकार की एडवाइजरी की पालना करते हुए, परंपरा निभाते हुए, पूरा पुलिस प्रशासन के सहयोग से पूर्ण शांतिपूर्ण ढंग से और हर्षोल्लास से श्रीनाथ जी मंदिर में दिवाली और अन्नकूट का महोत्सव मनाया गया। खास दर्शन करने के लिए हम बाहर खड़े थे, जो कि हमको अंदर तो अनुमति नहीं थी जाने की, लेकिन हमने भगवान को फिर बाहर से ही दंडवत प्रणाम कर लिए। जैन समुदाय रा तीर्थंकर भगवान महावीर रो मोक्ष कल्याणक दिवस श्रद्धा और आस्था रे सागे मनायो जा रियो है। इन मौके जैन धर्मावलंबी परिवार महावीर ने लड्डू अर्पित कर खुशहाली और समृद्धि की कामना कर रही। प्रदेश राज जैन मंदिरा में भगवान महावीर री अष्ट द्रव्य सु पूजा करेगी और महाआरती रो आयोजन करो गयो। का 2547वां निर्वाण उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया। सुबह भगवान की पूजा, अभिषेक, शांति धारा आदि सारे कार्यक्रम हुए। देश में COVID-19 ने लेर सजगता रे चालता लगातार 8वें दिन 50,000 सु कम संक्रमित मरीज सामने आया है। ठीक होबारी दर बढ़र 93.09% वेगी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 82,49,579 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 93.27% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.47% रह गई है। पिछले 24 घंटों में 43,851 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण रात 2184 नुआ मरीज साम आया है। आने मिलार कुल आंकड़ों अबार तई 2,25,817 माते पूग गयो। बटई 10 और लोगों की मौत रपचे। इन महामारी सु मरबा वाला की तादाद भी 2066 वेगी, जबकि इन सु रिकवर होबा वाला मरीजा रो आंकड़ों बढ़र 2,05,414 माते पूग गयो। स्वास्थ्य महकमा रे सारू जारी आंकड़ा रे मुजब जयपुर माए सबसू बत्ता 498 नुआ संक्रमित मामला साम आया है। इनके अलावा जोधपुर में 443
अलवर में 157, कोटा में 146, नागौर में 97, बीकानेर में 91, अजमेर में 80, भरतपुर में 79 नवा मामला सामने आया है। आदिवासी बाहुल्य प्रतापगढ़ जिलारा कास्तगाना सारू प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना फायदामंद सिद्ध वेरी है। इन योजना सु जिलारा 150,000 सु बत्ता कास्तगार लाभान्वित वेरिया है। योजना रे तहत किसानारा बैंक खाता में हर वर्ष 6,000 रुपया सम्मान निधि योजना रे तहत आ रिया है। इन योजना सु जिलारा 150,000 सु बत्ता कास्तगार लाभान्वित है। वणा कृषि खाद और उत्पाद खरीद ले वे और लाभान्वित लोग इन योजना सु घना खुश है। मेरे को सालाना 6,000 रुपये प्रधानमंत्री योजना के आते हैं। मैं इनसे मेरी खेती के लिए जो भी चीज वस्तु चाहिए जो लेके आता हूँ, आर्थिक सहायता अच्छी मिल रही है हमारे को। प्रधानमंत्री की कृषि योजना के तहत हमारे को 6,000 रुपये दिए जाते हैं। वो लगभग हमारे 2 साल से चल रहे हैं और उस पैसों से हमारे खाद बीज लाने में या हमारे दवाई वगैरह लेने में मतलब उपयोगी है। हमारे किसी से पैसा लेने की जरूरत नहीं है। मेरे खाते में भी 2,000 करके 6,000 रुपये आए हैं। पहले कहीं से भी हमको व्यवस्था करके पैसे की लाने पड़ते थे, अब हमें उसकी बहुत सहयोग राशि मिलने से बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा काम हो रहा है। मोदी जी को इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे। मोदी सरकार ने जो हमारी योजना के हिसाब से कृषि योजना चलाई है, उनमें जो 6,000 रुपये डालते हैं उनसे हमारे खाद और बीजों की आपूर्ति बराबर हो जाती है। जैसलमेर माए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 18 लाभार्थियों सारू कल्याणकारी साबित वेरी है। जिला माए नवंबर मीनारा राशन रो दीपावली पहली ही वितरण होबा सू लोगा माए संतोष और हर्ष है। लाभार्थी इन योजना सू पूर्णतः संतुष्ट दिखाई दे रहा है। जिला रसद एहलकार बतायो कि इन योजना ने आधार सू जोड़बारो काम प्रगति पहली री वितरण होबा सू लोगा माए संतोष और हर्ष है। लाभार्थी इन योजना सू संतुष्ट है। कल्याण योजना के तहत जिले में खाद्यान्न सुरक्षा के जो लाभार्थी है उनके प्रत्येक लाभार्थी को 5 किलो गेहूँ निःशुल्क दिए जा रहे हैं तथा प्रत्येक परिवार को 1 किलो चना की दाल निःशुल्क देकर लाभान्वित किया जा रहा है। इसके साथ ही वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत हमारे जो 333 उचित मूल्य की दुकान है उन पर हमने प्रत्येक दुकान पे एक बीएलओ को डेपुट किया है और सरकार द्वारा एक ऐप डेवलप किया गया है। उस ऐप के माध्यम से राशन कार्ड के साथ साथ उनके आधार नंबरों का शेडिंग किया जाएगा, जिसका फायदा ये होगा कि लाभार्थी हिंदुस्तान भारत में कहीं भी जा कर के अगर रहता है तो उसको राशन कार्ड सुविधा उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हमारे मार्च से लेकर कोरोना काल से लेकर अब तक नवंबर तक हमारे गेहूं फ्री आ रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आगे तक चलाई जाए जिससे हमारे परिवार को सबल मिल सके। मोदी जी का जो राशन सप्लाई का जो चला गया कार्यक्रम चल रहा था उसके अंतर्गत गरीब लोगों का बहुत ही फायदा हुआ और घर पे भी राशन पहुँचा है। हमारे घर पे प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से गैस योजना फ्री करवा रखी है और राशन भी जारी है। मेरे कहने का मतलब है मोदी जी को ये योजना जारी रखनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। कृषि महकमो अब सोशल मीडिया रे जरिए महत्वजोग जानकारियां किसाना ताई पुगावलो। इन खातर जोधपुर माई महकमा कानीसू 200 व्हाट्सएप ग्रुप बनार इनसु किसाना ने सीधो जोड़ो गयो है। उपनिदेशक कृषि महकमो वीरेंद्र सिंह सोलंकी बतायो कि कास्तगार साथी नाम सु बनाया गया पोर्टल सु व्हाट्सएप ग्रुप रे जरिए कास्तकारा ने राज्य और केंद्र की योजना वाली जानकारी दी जावेली। कृषि विभाग द्वारा कृषि विभाग एवं संबद्ध विभाग द्वारा जो योजनाएं संचालित की जा रही हैं उनका लाभ आसानी से किसानों को मिल सके इसके लिए विभाग ने राज किसान साथी पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर कृषि उद्यान विभाग से संबंधित जो प्रमुख योजनाएँ हैं इनका आवेदन ऑनलाइन किसान स्वयं कर सकते हैं। जो ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होंगे उसमें संबंधित प्रभारी अधिकारी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे और उसके बाद उसकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाएगी। प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने के बाद ऑनलाइन मोबाइल ऐप पर ही वो भौतिक सत्यापन के लिए क्षेत्र में सहायक कृषि अधिकारी कृषि पर्यवेक्षकों को भेजा जाएगा और ऑनलाइन ही उसका भौतिक सत्यापन हो जाएगा। इस सारी प्रक्रिया में जो सबसे एक महत्वपूर्ण बात है
किसान खुद अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकता है, उसकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो गई है या नहीं हुई है, भौतिक सत्यापन हुआ है या नहीं हुआ है, और इसके बाद ऑनलाइन ही किसान के खाते में सीधा अनुदान का लाभ पहुंचाएगा, खाते में अनुदान की राशि जमा होगी। जयपुर जिला प्रशासन, स्वास्थ्य महकमो और पुलिस बस्सी माए बड़ी कार्रवाई करता थका करीब 4000 किलो सु बत्ती मिलावटी पनीर रिखे पकड़ी है। आला पुलिस एहलकार शिव कुमार भारद्वाज रे सारू अलवर रा रामगढ़ सु आई पिकअपरी जांच करबा माथे उन माए मिलावटी पनीर और दूजी सामग्री मिली जबकि जयपुर माए सप्लाई होनी है। आओ अब आप बात करा आपरी और आपना नी सुरक्षा री। कोविड 19 बचाव री दिशा में डीडी न्यूज काने सु एक खास मुहिम चलाई जा रही है मास्क अप इंडिया। आओ जाना कि किन तरह अबार मास्क की वैक्सीन है और सबरी सुरक्षा खातर क्यों जरूरी है मास्क। वैश्विक महामारी कोविड 19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। कोविड 19 सु बचाव खातर देश भर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आओ जाना कोरोना सु बचाव खातर काई छे जरूरी कदम। डीडी राजस्थान में प्रसारित सगला समाचार थे माका यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज में देख सको हो और खबरार अपडेट खातर माका ट्विटर हैंडल @DDNewsRajasthan फॉलो कर सको हो। और आखिर में खास खास खबर एक फिर हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पालीरा विजय बल्लभ सूरीश्वर महाराज री प्रतिमा रो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए करे अनावरण। कयो आत्मनिर्भर भारत री पीठिका तैयार करवा माए संता और आचार्यों रो बड़ो योगदान। आज है राष्ट्रीय प्रेस दिवस। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर दी ने बधाई। बदलिया मौसम रे पछे प्रदेश में कई ठोरा माते भी बिरखार पड़ा ओला, फसला खातर वेली लाभदायक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दीपावली माथे आतिशबाजी नहीं करवा माथे प्रदेशवासियों रो जतायो आभार। कयो कोरोना रे खिलाफ जंग माए आम लोगारी आ जिम्मेदारी पहल।
अरे प्रदेश में कोरोना संक्रमण सु ठीक होबा वाली दर भी 93.09%। प्रदेश में कोरोना 2,05,072 मरीज भी ठीक। जयपुर समेत प्रदेश भर में आया 2,184 नवा केस। इन साथ ही सिंझा 4:30 बजे राजस्थानी खबर ठही पूरी हुई साथ देखता रहो डीडी राजस्थान। सिंझा 7 बजे हिंदी प्रादेशिक समाचार में फेरू मुलाकात होली। नमस्कार।